ठीक है, मुझे एक वॉल बनाना है, वो भी स्कल्प्टेड वॉल बनाना है, तो मैं सिंपल एक बॉक्स ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे। ओके एंड देन कंट्रोल एंड स्पेस बार। ओके एंड देन यहाँ पे मैं तो और देख ले, क्लासिक पे चलता है यहाँ पे। ठीक है, और देन बॉक्स ले रखा मैंने यहाँ पे बॉक्स। अभी देखो, एक मैंने टेक्निक आपको बताया जिसमें मैं कम ड्यूजिंग के साथ डील करता हूँ। क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट लिया, वेट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास वेट इतना। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा लेके चलना है, तो हाइट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब ऐसा कुछ मैंने सेट कर दिया। मुझे एक वॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक वॉल है। वॉल बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसमें डिजाइन दे सकता हूँ, डिजाइन मुझे जो देना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर डिवीजन है मेरे पास यहाँ पे वेट एंड देन ये सब, तो मैं सीधे इसे अनरैप कर लेता हूँ वहाँ पे यूवी एडिटिंग। ठीक है, अभी यूवी में गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बेस्ट वे मेरे पास क्या है, लाइक ऑटोमेटिक। ठीक है, एंड देन अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैंने यहाँ पे मूवमेंट्स व्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन कनेक्टिविटी देने तो मैं यहाँ पे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, और लाइक ऐसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जब भी जोड़ना चाहे जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने एक टेक्सचर लिया। ठीक है, टेक्सचर जैसे इसी का मैं लेआउट में टेक्सचर लेके जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, लैम्बर्ट पे ब्रिक्स टेक्सचर ले लेते हैं यहाँ पे। फाइल लिया, अभी मैं देखो फोटोशॉप में जाकर मैं प्लेस कर सकता हूँ, तो मैं फोटोशॉप वाला प्रोसेस भी मैं अभी बताऊंगा। एक ही प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ क्या, कि फोटोशॉप में कैसे लेके जाते हैं, देन यहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो फोटोशॉप में मैं आपको ये वुडन लॉग वाला बताऊंगा, अभी मैं आपको वॉल वाला बताता हूँ। जैसे मैंने टेक्सचर लिया, ये टेक्सचर है मेरे पास यहाँ पे, ये भी टेक्सचर है, ये भी टेक्सचर है। ठीक है, जो सा आपको यहाँ पे लगे, जैसे मैंने सेट कर दिया, प्रेस के 6 ये देखो। अभी मेरे पास यहाँ पे है क्या, अगर मैं यहाँ पे देखो अपनी यूवीज को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लूँ, शिफ्ट और रोटेटेड एंड रोटेट मैंने कर दिया क्लॉक वाइज, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। लेकिन मेरे पास स्टाइलिंग कितनी है, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटे पे काम करना चाहता हूँ। मैं छोटे पे थोड़े से बार एड ऑन करना है कि मैं मुझे ऐसे यहाँ पे क्या काम करना है। ठीक है, मटेरियल पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, मिक्सी टाइलिंग आप यहाँ पे बड़ा छोटा आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी देखो ये जो पार्ट आ रहा है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्के से थिकनेस मुझे बढ़ा देनी चाहिए, तो मैंने थोड़े से थिकनेस यहाँ पर बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इतना पार्ट मुझे आ गया। ठीक है, पॉली क्यूब में गए, यहाँ से मैं क्या डिवीजन में बढ़ा सकता हूँ वेट। देखो तो जहाँ मैं डिवीजन रहा हूँ वहाँ पे यहाँ पे यूवी ख़राब हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं मैनुअल भी डिवीजन दे सकता हूँ। तो मैं आपको एक मैनुअल डिवीजन देने का प्रोसेस भी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेफ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट एज लुक टूल पे गया यहाँ पे। ठीक है, तो देन यहाँ पे मैं ऑप्शन होता है क्या, सेफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल। ठीक है, और इंसर्ट एज लुक टूल में यहाँ पे क्या मल्टीपल एजेस, यहाँ पे मैं मुझे यहाँ पे कितने एजेस देने, 10 देने मैंने क्लिक किया, तो 10 एजेस मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी 10 एजेस मुझे यहाँ पे देने, तो मैं 10 एजेस ऐसे भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी देखो कि डिवीजन लाइक क्वार्ट जैसा बन गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने इसे कम किया, मैंने क्या 6 या ठीक है 5 एजेस मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो मैंने यहाँ पे चलो 4 के कह देते हैं। अभी मेरे पास अंदर पे, तो मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी मॉडल को लेके जाया जाता है कि अगर लगता है कि आपका जीवस में कई लोग कंफर्टेबल नहीं है, लाइक जो मैं आपको स्मूथ का बटन बताता हूँ उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऐसे करके भी लेके जा सकते हैं। अभी देखो आपके पास ये सिंपल सा पार्ट है, आपने ऐसा कुछ किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल सा अपना ये मॉडल मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। फाइल पे गए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन किया, ओवीजे में एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे है टेक्स्टिंग। ठीक है, टेक्स्टिंग गए, यहाँ पे मैंने वॉल पे लिया। ठीक है, वॉल तो मैंने यहाँ पे वॉल का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अभी सबकी एक टेक्निकल टेक्निक को समझना है भाई, मेरे पास टेक्निक है क्या। ठीक है, जीवस में गया, यहाँ पे मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के लिए लाइक यहाँ पे कहाँ गए हम लोग ने, यहाँ पे गए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में गए टेक्स्टिंग नाम का फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, वॉल के अंदर ये वॉल आ गया। क्लिक एंड ड्रैग टी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एफ, वायर फ्रेम देख लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेस मटेरियल यहाँ पे। अभी सबसे सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि मैंने मॉडल लिया, अनरैप करके लेके आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर मैप मिलता है क्या, टेक्सचर है यहाँ पे, टेक्सचर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, या यहाँ से इंपोर्ट कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे, टेक्सचर वो इंपोर्ट करता हूँ जो टेक्सचर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, क्लिक किया इंपोर्ट, कौन सा टेक्सचर, ये वाला टेक्सचर था, तो मैंने यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैं टेक्सचर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे आ गया, एग्जैक्ट आ गया क्या, सिर्फ रैप देखो यहाँ पे, जो मैं टेक्सचर देना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। ठीक है, मैं ये टेक्सचर चाहिए मैं ये ले सकता हूँ, मुझे अगर एक ऑप्शन और लेना है तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। अभी देखो ये मस्ट टेक्सचर आ रहे हैं यहाँ पे,
अभी मेन काम क्या करना है कि लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डील करना है क्या, इसके अकॉर्डिंग कैसे डील कर सकता हूँ मैं, इस पे इसको मैं मास्क करके स्कल्पटिंग कर सकता हूँ। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइक ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे SMT है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, स्विफ्ट एफ फायर फ्रेम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिवीजन दिखेगा क्या, ठीक है स्विफ्ट एफ। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट, अगर मैं यहाँ पे स्कल्प करना चाहूँ तो मैं स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ओके। देन यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। अभी इसको मैनेज करने के लिए करना क्या, ये भी देखना क्या। अभी देखो यहाँ पे मैं एक मेथड आपको ये बताता हूँ कि भाई सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैं मास्क कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मास्क करने का तरीका देखो आपको सिंपल सा, मैं क्या कहता हूँ आप निगेटिव मास्क करना चाहो निगेटिव मास्क कर दो, यहाँ पे देखो स्विफ्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव मास्क करना चाहो निगेटिव मास्क कर दो, इसको अंदर करना अंदर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके पास एक यहाँ पे मास्किंग के अंदर ऑप्शन मिलता है क्या, मास्किंग में जाओ और यहाँ पे है मास्किंग में मास्किंग कलर मास्किंग मास्क बाई कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मास्क बाई इंटेंसिटी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है देखना, मास्क बाई इंटेंसिटी। अभी मास्क हो गया क्या, मास्क होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे जो टेक्सचर, इस टेक्सचर को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। कैसे ऑफ करेंगे, क्लिक किया मैंने यहाँ पे टेक्सचर ऑफ, तो देन आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, ये पूरा पूरा पार्ट आपको अपने आप मास्क होकर दिखा देगा। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब भी मुझे मास्क में काम करना हो तो मुझे यहाँ पे डिवीजन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। अभी मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, जैसे देखो यहाँ पे कहाँ गया, डिफॉर्मेशन पे जाऊँगा, तो अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा इन्फ्लेट करके, तो इन्फ्लेट में देखो यहाँ पे दिखेगा क्या, देखो ये अभी ये आपका डिटेलिंग आ जाएगी आपके यहाँ पे, देखो बहुत ही प्रॉपर डिटेलिंग आ जाएगी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, ये मुझे अंदर करना अंदर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है देखो अभी मैं इसको बाहर करना मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी सोचो मेरे पास इतना प्रॉपर डिटेल आ गया, तो मैं अगर आपको ब्रिक्स डिटेलिंग आपको बताऊँ, भाई मुझे ऐसा कोई डिटेल नहीं दिखाना है, देखो तो मेरे पास ये काम हो गया क्या, मैं अगर इन चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा करने पर दिक्कत आई थी, अंडू किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ तक इतना तक ठीक है क्या। अभी देखो इतने पर मैं अगर डिटेलिंग गया तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे मैंने मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, सिंपल सा बात टेक्सचर उठाया, टेक्सचर मैंने यहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया, और देखो यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ही प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे नॉइज वॉइस के साथ में, ठीक है। अब अगर मैं इसी पे मैं टेक्सचर लगा लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आपका टेक्सचर का भी टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कुछ काम किया जाता है क्या, कि मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्सचर पे गए, टेक्सचर पे मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी टेक्सचर मेरे पास कहाँ गया, मैं इंपोर्ट किया था मैंने यहाँ पे टेक्सचर, मैंने क्या है मेरे पास ये टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे आएगा, तब देखें पे टेक्सचर के साथ टेक्सचर भी दिखेगा डिटेलिंग भी दिखेगा। डिवीजन दो कंट्रोल डी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मास्किंग पे गए, मास्किंग के साथ मैं पहले चलता हूँ ज्योमेट्री पे, ठीक है। डिवाइड करता हूँ एक दो डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा भाई इतना डिवाइड काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं स्कल्पिंग भी दिखाया था, हल्का फुल्का मैं स्कल्पिंग करूँ, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे अगर कहीं पे थोड़ा सा काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सचर मैप को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। अभी हल्की फुल्की मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ प्रेस कर दिया हल्का फुल्का, ठीक है। ये कॉर्नर वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी टेक्सचर से डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं लाइक मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके यहाँ पे दिखाऊँ भाई, थोड़ा सा पार्ट में बस ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, क्ले बिल्डअप है, ट्रिम डायनेमिक है, यहाँ पे मैं कुछ जगह पे हल्का सा ब्रेक करना चाहूँ ब्रेक कर सकता हूँ लाइक ये जगह पे, तो मैं इस पे मैं फिर वैसा कुछ काम कर सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे कुछ काम ऐसा करना है तो मैं डिटेलिंग दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इस पे जितने काम करना हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे डिटेलिंग देना, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा करके भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे फोकस में गए, अभी देखो इतनी डिटेलिंग को करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सा फंडा है, आप ऐसे कुछ मैनेज कर लो यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो आप यहाँ पे चाहो तो सिंपल सा क्ले बिल्डअप से लेके आप यहाँ पे हल्का हल्का आप स्कल भी कर सकते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन दिखा सकते हो, कहीं पर मुझे ऐसे दिखाना है कि मेरे पास कोई सेप ऐसा है, कहीं पे देखो यहाँ पे कुछ डिटेलिंग का पार्ट है, कहीं पे मुझे ऐड ऑन करना है, ऐड और लेस मैं कर सकता हूँ यहाँ पे क्या, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से सेप को थोड़ा सा रेंडमाइज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा डिटेल दिया भाई, मैंने कुछ यहाँ पे अप डाउन कर दिया, ठीक है, बात समझो। अभी कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे भी मैंने मैनेज किया, अब देखो यहाँ पे मैं डिटेलिंग को कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी को पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने मास्क किया, मास्क करने के बाद ये देखो कहता मैंने मास्क किया यहाँ पे, मास्क करके मैं इसको थोड़ा सा अप डाउन भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा पार्ट लाइक दिख रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल के साथ ही प्रेस, हाँ कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको लाइक इस टाइप से मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, देखो
मैं लाइक रैंडमली मैं कहा था एक दो ब्रिक्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, देखो कंट्रोल शिफ्ट करके, एक मिनट, ठीक है। फोकस किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडू अंडू क्या था यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक, दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, जैसे यहाँ दिख रहा है ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लाइक रफली थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे कुछ आपने सेप लिया, मैं कुछ ब्रेक्स को थोड़ा सा बाहर दिखाना चाहता हूँ, तो लेकिन आपको यहाँ पे डील करने का थोड़ा सा टेक्निक पता होना चाहिए कि भाई किन चीज़ों पर कितना मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैं अगर मैं कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिफॉर्मेशन पे गए, ठीक है। डिफॉर्मेशन पे जाने के बाद मैंने हल्का सा इन्फ्लेट, देखो देखो यहाँ पे, एंड कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहा था यहाँ पे, देखो ये ब्रिक्स मेरे पास बाहर निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके देखो ये पार्ट में कुछ ऐसे निकाल के मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं बस यहाँ पे देखो डिसलेक्ट किया तो कुछ पार्ट मुझे यहाँ से अप डाउन दिखेगा यहाँ पे, कोई कहीं कहीं पे कैसा गार्ट है। तो ऐसे सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे टेक्सचर में मैनेज कर सकते हैं, बाकी जो स्कल्पटिंग हमने किया था वो स्कल्पटिंग भी हम लोग यहाँ पे करके मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस था, ठीक है। ये भी मैंने इसमें आपको दिखाया कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, और टेक्सचर में यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत जल्दी में और बहुत बढ़िया में आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। अभी इसमें